नमस्कार, मैं जानवी NSDL की ओर से NPS की पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। हमने इस चैनल पर उपलब्ध कुछ वीडियोस में NPS अकाउंट की सर्विसेज ऑनलाइन कैसे ले सकते हैं और इन सर्विसेज को NPS मोबाइल ऐप के द्वारा कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया है। हमने यह भी बात की है कि इसके लिए आपको अपने NPS अकाउंट में लॉगिन करना होगा। यह लॉगिन आप यूज़र ID यानी PAN और पासवर्ड के साथ कर सकते हैं। चूँकि पासवर्ड NPS अकाउंट ऑपरेट करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो चलिए आज हम इस वीडियो में पासवर्ड आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसे कैसे दोबारा जनरेट कर सकते हैं इत्यादि के बारे में चर्चा करते हैं। अगर सब्सक्राइबर ने NPS रजिस्ट्रेशन के समय अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID दिया है, तो सब्सक्राइबर को SMS द्वारा इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आप ऑनलाइन जाकर अपना पासवर्ड जनरेट करें। पासवर्ड जनरेट करने का प्रोसेस भी ईमेल द्वारा सब्सक्राइबर को भेजा जाता है। और अगर रजिस्ट्रेशन के समय यदि मोबाइल नंबर और ईमेल ID उपलब्ध ना हो, तो सब्सक्राइबर के रजिस्टर एड्रेस पर पासवर्ड भेजा जाता है और इसका अलर्ट भी सब्सक्राइबर को दिया जाता है। सब्सक्राइबर को पहली बार नए पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद सीक्रेट क्वेश्चन भी सेट करना होता है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हो, तो यह सीक्रेट क्वेश्चन पासवर्ड रीसेट करने में उपयोगी होता है। इसीलिए हमारा यह सुझाव है कि आप सीक्रेट क्वेश्चन ज़रूर सेट करें। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप NPS अकाउंट का पासवर्ड भूल गए हो और आपको सीक्रेट क्वेश्चन भी याद ना हो, तो जल्द से जल्द नया पासवर्ड प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइबर को CRA वेबसाइट www.cra-nsdl.com पर जाकर सब्सक्राइबर के सेक्शन में फॉरगॉट पासवर्ड के लिंक पर क्लिक करना है और इंस्टेंट रीसेट IPIN ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर जनरेट OTP ऑप्शन को सिलेक्ट करके PAN और अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। आपको यह सुविधा भी दी गई है कि आप OTP मोबाइल या ईमेल ID दोनों में से किसी एक पर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपने चॉइस का नया पासवर्ड एंटर कर सबमिट करना है। याद रखें, पासवर्ड मिनिमम 8 डिजिट का होता है और इसे अल्फा न्यूमेरिक होना अनिवार्य है। सब्सक्राइबर के OTP सबमिट करने के बाद उसका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। OTP के द्वारा पासवर्ड रीसेट की सुविधा NPS मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। अगर सब्सक्राइबर के NPS अकाउंट में उसका मोबाइल नंबर और ईमेल ID अपडेटेड नहीं है, तो सब्सक्राइबर को पासवर्ड रीसेट करने के लिए नोडल ऑफिस ऑप्शन को सिलेक्ट करके डिटेल्स सबमिट करनी होगी। कंफर्म करने के बाद सब्सक्राइबर को एक एक्नॉलेजमेंट नंबर दर्शाया जाएगा, जिसके जरिए सब्सक्राइबर इसे नोडल ऑफिस से ऑथराइज करा सकता है। रिक्वेस्ट ऑथराइज होने के बाद सब्सक्राइबर का पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। तो देखा ना, पासवर्ड रीसेट करना कितना आसान है। बस याद रखें, इसके लिए आपके NPS अकाउंट में आपका मोबाइल नंबर और ईमेल ID अपडेटेड होना आवश्यक है। अगर अभी तक आपने अपने NPS अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID अपडेट नहीं कराया है, तो उसे जल्द ही अपडेट करा लें और भविष्य में सिर्फ पासवर्ड रीसेट ही नहीं, NPS की और भी सर्विसेज का फ़ायदा उठाएं। आज इस वीडियो में बस इतना ही। NPS की और अधिक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।